जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपने टीचर एजुकेशन विद मोहन में। और ये है 23 नवंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर। ये भाई देखे कैसा था पेपर? पेपर बेसिकली तो इजी आया था, ज़्यादा कोई खास था नहीं। मैथ्स और रीजनिंग ये सब नॉर्मली आई थी, बाकी जीएस भी नॉर्मली थी। कंप्यूटर का थोड़ा सा बढ़ गया था, है ना, लेवल थोड़ा अच्छा था कंप्यूटर का। जीके में अभी तक जैसा आ रहा वैसे ही आपने रिव्यू दिया? हाँ, रिव्यू तो मतलब नॉर्मली आ रहा, ज़्यादा कोई खास नहीं आ रहा। अच्छा, हिस्ट्री वगैरह कैसी? हिस्ट्री नॉर्मल, देखो पढ़ने लिखने वाले के लिए तो अच्छा है, वो जो नहीं पढ़ा लिखा ना तो उसके लिए हार्ड है। जो डेली रूटीन पे प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए बहुत ईजी आ रहा है एग्ज़ाम। सर पॉलिटी से पूछा था क्या? पॉलिटी से हाँ, कुछ आर्टिकल्स आए थे, मतलब अपनी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से अधिकार, नहीं मैं नहीं, मैं तो लाल घाटी जाऊँगा, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से अधिकार और राज्यपाल का अधिकार है ना, आर्टिकल 165 ये सब पूछे थे। तो इकोनॉमिक्स से एक ही क्वेश्चन था, बाजारी अर्थव्यवस्था से था, तो मतलब जो थोड़ा सा दिमाग लगाते, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था, अगर दिमाग लगाते तो हो जाता वो। अच्छा, करंट से पूछा? हाँ, करंट अफेयर्स से काफ़ी थे। 2021 में पद्म भूषण, पद्म श्री, मतलब ये सब पूछे गए थे। और जैसे कि लोक नृत्य रहते हैं, त्रिपुरा का लोक नृत्य है, लोक नृत्य से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो पूछ रहा हूँ, मतलब लोक नृत्य तो रटना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। अच्छा, स्टैटिक्स से थे? स्टैटिक्स में भी थे, मतलब स्टैटिक्स का पार्ट तो बहुत ही कम था। हाँ, कम पार्ट था। अच्छा, कंप्यूटर में कहाँ से? कंप्यूटर में MS 365 से, MS Excel से कुछ क्वेश्चंस थे, फाइल को सेव करना, फाइल इंटर ओपन और इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। फुल फॉर्म नहीं था, नहीं आउटप्रिंट पर तो अब इसका स्कोप ही हट गया, आउटप्रिंट पर बहुत पहले पूछते थे, अब तो ये MS Excel, पावर पॉइंट, MS Excel में फाइल न्यू फाइल करना, फाइल कॉपी करना, मतलब ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड कि आप सीखेंगे कंप्यूटर तो ही आप कर पाएंगे। अच्छा, मैथ में अभी तक जैसा आ रहा आर्थमेटिक वही आ रहा? हाँ, मैथ तो कोई खास नहीं है, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट मतलब नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ का तो बिल्कुल ही डाउन था, बिल्कुल जीरो थी मैथ तो। अच्छा, कोई भी मतलब नॉर्मल पर्सन कर सकता है उसको। अच्छा, कौन कौन से परसेंटेज क्या वगैरह? हाँ हाँ, परसेंटेज पूछा ना, मैंने बताया ना आपको, प्रॉफिट लॉस से पूछा, परसेंटेज से भी कुछ क्वेश्चन थे, और आपका मेंसुरेशन से, इसमें आपका कॉनेक्ट था, कॉनेक्ट था है ना, सिलेंडर था, एडवांस हाँ, एडवांस उतना ज़्यादा नहीं थी, मतलब यही था, अर्थमेटिक से थे ज़्यादा, एडवांस से ज़्यादा। हाँ, आपने कितना टाइम? मैंने 86 किया है। सोनू शर्मा। आपका? धीरज बरखा ने। पेपर बहुत बढ़िया गया। कैसा अभी तक जैसा आ रहा वैसे ही आ रहा? मैंने एनालिसिस नहीं देखा था, मैं तो डायरेक्ट पेपर देने आया हूँ। अच्छा, और कि जीके वगैरह कैसा था? जीके मॉडरेट लेवल था। अच्छा, क्या हिस्ट्री वगैरह से? हाँ, हिस्ट्री को थे, 3-4 क्वेश्चन थे हिस्ट्री। स्टैटिक वगैरह? स्टैटिक के भी थे, समथिंग 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा ही होंगे। अच्छा, और बाकी इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन समथिंग थे। स्टैटिक? हाँ, स्टैटिक से होंगे 5-6 क्वेश्चन, ज़्यादा ही थे 5-6 क्वेश्चन। कंप्यूटर मैंने पढ़ा नहीं, हाँ, इसलिए मुझे पता नहीं मैंने। मैथ रीजनिंग ओके, 40 में से 30-35 उड़ाने वाली थी। अच्छा, मतलब नॉर्मल कर सकते हैं? हाँ, नॉर्मल हो जाती, 35 समथिंग हो जाती। अच्छा, क्या अटैम्प्ट है? मैंने 78 अटैम्प्ट किया। हाँ, उसमें से 60 सही होंगे यहाँ तक। हाँ, कहाँ, क्या नाम? धीरज बरखाने। पेपर ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा, कैसे जीके वगैरह कैसे पूछ रहा है? जी के बढ़िया था, अगर कोई 2-3 महीने प्रैक्टिस कर लेना तो आराम से हिट सकता है। अच्छा, जी के में क्या पूछ रहा है, जैसे हिस्ट्री पूछ रहा है? हाँ। और पॉलिटी? थोड़े थे, 10-12 थे ऐसे ही। अच्छा, अनुच्छेद वगैरह पूछे थे क्या? नहीं नहीं, वो नहीं थे। अच्छा, और बाकी करंट था कुछ? हाँ, करंट अफेयर में था, 2-4 थे। अच्छा, और बाकी जी के कैसे थे, वो मैथ रीजनिंग कैसे थी? मैथ तो थोड़ी टफ थी, बाकी जीके मीके बहुत सही था। जीके सही था? हाँ। रीजनिंग? रीजनिंग भी सही थी। कंप्यूटर? कंप्यूटर नहीं।